हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग। पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। पेपर सेकंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पेपर है। इसका हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मेन टॉपिक हमने देखा था वो था नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, मैं आपको एक बार जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज करा देती हूँ। हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में दो तरह की इन जनरल बॉन्डिंग पाई जाती है। एक का नाम होता है लोकलाइज्ड, हिंदी में जिसे हम कहते हैं स्थानीयकृत, और दूसरे का नाम होता है डीलोकलाइज्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थानीकृत बंध। ठीक है, लोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब होता है कि एक बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में ही लोकलाइज्ड हैं या स्थानीकृत हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं। मतलब उन दो एटम्स से बाहर वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाएंगे। ओके, उसको तो हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड्स में हमने एक सिग्मा बॉन्ड्स देखे थे, एक पाई बॉन्ड्स देखे थे। ओके, हमको जो डिटेल में जो बॉन्डिंग स्टडी करनी है एमएससी लेवल पर आके, वो है डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग में दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके इलेक्ट्रॉन्स उन दो एटम्स के अलावा भी थर्ड एटम पर डी लोकलाइज हो सकते हैं या विस्थानीकृत हो सकते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ये दोनों बेंजीन के मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेबल कर दूँ, इसी तरह से इसके कार्बन एटम्स को भी हम लेबल कर दें। यहाँ पे C2 और C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में वो डबल बॉन्ड्स माइग्रेट हो गए हैं 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे 4 और 5 वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 और 6 में माइग्रेट हो गए, और इसके 1 और 6 वाले इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 के बीच में माइग्रेट हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, वो इस केस में 2 की बजाय 3 तक चले गए। मतलब C1 और C2 के अलावा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये C1, C2 और C3 पर भी डीलोकलाइज हो गए। 1, 2 ये रहा, 2 से 3 ये रहा, 2 से 3 ये रहा, 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स दो कार्बन पे या दो एटम्स पे रिस्ट्रिक्टेड न रहें और वो उससे ज़्यादा एटम्स पे डी लोकलाइज हो जाएं, इस तरह की बॉन्डिंग को हम डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। और इस डी लोकलाइजेशन के रिजल्ट से किसी भी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व उत्पन्न होता है। ओके, ये हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। डीलोकलाइजेशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें की डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। उसमें हमने दो हेडिंग्स के एग्जांपल पढ़ लिए थे। पहले मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन हो। जिनमें संयुग्मन या कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन इसका एग्जाम्पल है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, आप ये टर्म याद रखेंगे, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, एक छोड़कर एक। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो उस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन भी होता है। एक एग्जाम्पल तो बेंजीन ही हो गया, डीलोकलाइजेशन दिख रहा है। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया था वो करवाया था 1,3-ब्यूटाडाईन का, उसके अंदर किस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमने देखा था।
दूसरा जो हेडिंग है काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनमें कि डीलोकलाइज बॉन्ड्स होते हैं वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन विद अ पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम। डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर कोई एटम पे पी ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ऑल्टरनेट बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और फिर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और साथ में एक पी ऑर्बिटल। इसमें हमने तीन तरह के स्पीशीज के एग्जाम्पल देखे थे, विनाइल कैटायन, विनाइल एनायन और विनाइल फ्री रेडिकल। ये तीनों हम एग्जाम्पल देख चुके हैं कि किस तरह से उनमें डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। पी ऑर्बिटल के अंदर विनाइल एनायन के केस में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विनाइल फ्री रेडिकल के केस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और विनाइल कैटायन के केस में देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स इन द पी ऑर्बिटल ऑन द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास वाला कार्बन एटम। ये दो एग्जाम्पल तक हम अपने लास्ट टर्म पे पढ़ चुके थे। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट शो डीलोकलाइजेशन इज कैन बी अंडरस्टूड बाय द टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट सेकेंड तो ये रहे, थर्ड तरह के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में कहते हैं अति प्रसंयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन जिन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उन मॉलिक्यूल्स में भी डीलोकलाइजेशन ऑब्जर्व होता है। किस तरह से आप देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, चाहे वो ब्यूटाडाइन का हो चाहे वो विनाइल कैटायन एनायन फ्री रेडिकल का हो, उस केस में जो डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण जो हो रहा था वो हो रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे दे वर गेटिंग डीलोकलाइज्ड, ओके। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन होगा, विस्थानीकरण होगा, वो होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल बी डीलोकलाइज्ड। अब सिग्मा बॉन्ड, अगर आप सोचिए कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के टूटने से तो दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो बेसिक स्केलेटन बनता है पाई बॉन्ड तो तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी होता है वहाँ पर। सिग्मा बॉन्ड तो बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है किसी मॉलिक्यूल का, तो सिग्मा बॉन्ड ही अगर टूट जाएगा तो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं रहेगा। जब बॉन्ड ही नहीं रहेगा इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहता, ऐसा अनुनाद जिसमें बंध ना हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि इसके अंदर क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी स्थानीकृत हो जाते हैं, इस वजह से इसमें दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड ही नहीं रह जाता और इसीलिए इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में होने के लिए एक बेसिक कंडीशन या एक नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि ऐसा कार्बन एटम जिसमें कि अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कार्बन एटम जिसपे कि अनसैचुरेशन हो उसकी अल्फा पोजीशन पर एक ऐसा कार्बन हो जिसपे कम से कम एक हाइड्रोजन हो। अनसैचुरेटेड कार्बन हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा का मतलब आप समझते हैं जो कार्बन जस्ट पास वाला हो उसे अल्फा कहते हैं, उसके बाद जो कार्बन आएगा उसे बीटा कहेंगे, उसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इस तरह से कार्बन का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम की अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मींस हम क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को हम कहते हैं अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेटेड कार्बन पे अगर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ये अनसैचुरेटेड कार्बन हो गया, इसका अल्फा कार्बन ये है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन टू टेक प्लेस इन अ मॉलिक्यूल।
किसी भी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए उसके अनसैचुरेटेड कार्बन के पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन और बढ़ जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन इज वन अल्फा हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड कार्बन। ओके, ये इसका बेसिक स्केलेटन हो गया। किसी भी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए ये बेसिक स्केलेटन है। ओके, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब रिएक्शन किस तरह से होगा, हमको क्या पढ़ना है, डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इट विल ब्रेक, और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल माइग्रेट बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स विस्थानीकृत होके इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, इसी को तो डीलोकलाइजेशन कह रहे हैं। बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, सी और एच के बीच में, लेकिन वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो एच सी और सी तक डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब यहाँ चले गए तो यहाँ एक डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये देखिए, और ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, यहीं पे लिमिटेड नहीं रहे उनकी जगह, वो फिर भी स्थानीकृत होके किस कार्बन पे चढ़ गए, इस कार्बन पे। जब दो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो इस कार्बन विल हैव अ, दिस कार्बन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो हो गया डीलोकलाइजेशन। इस डीलोकलाइजेशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स पास वाले कार्बन कार्बन के बीच में माइग्रेट हो गए, एज अ रिजल्ट यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। ये पाई बॉन्ड्स का माइग्रेशन इस कार्बन पे हो गया, तो एज अ रिजल्ट इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सो देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में रिलीज हो गया, H+ के फॉर्म में, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके तो निकला ही नहीं, तो इट हैज़ बीन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+। अब इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड नहीं रह गया, सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए, तो अब वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं रह गई, इसीलिए इसको नाम दिया गया है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म्स में किसी रिएक्शन का रेट स्टडी करें, हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म्स में किसी अभिक्रिया की रेट का मतलब होता है दर, अगर हम किसी अभिक्रिया की दर को स्टडी करें, उसका एनालिसिस करें, तो क्या पाया गया साइंटिस्ट ने कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे तो ये क्या ग्रुप कहलाएगा, मिथाइल ग्रुप। में तीन हाइड्रोजन होने से सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट। इसकी बजाय अगर हम दो हाइड्रोजन कर देंगे तो इथाइल, उससे भी एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो आइसोप्रोपाइल, और उससे बिल्कुल एक भी हाइड्रोजन हटा ही देंगे सारे तो टर्शियरी ब्यूटाइल। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ मिथाइल, देन इथाइल, उससे कम आइसोप्रोपाइल और सबसे कम टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर हम फील्ड इफेक्ट, आप लोगों ने क्षेत्र प्रभाव पढ़ा होगा, हम इस यूनिट में आगे भी पढ़ेंगे उसको, उसके हिसाब से देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो जस्ट ऑपोजिट होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा, उससे कम सबसे कम। लेकिन वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। ओके, यहाँ हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनमें ये बेसिक स्केलेटन हो और जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अति परसंयोजन पाया जाता है। इस इफेक्ट को, ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट, क्षेत्र प्रभाव के हिसाब से जो अभिक्रिया की दर होनी चाहिए थी उससे एग्जैक्टली उल्टी आ रही है, ऑपोजिट आ रही है हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट की वजह से। इसको जिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया उनके नाम पर बेकर नेथन इफेक्ट नाम दिया गया। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज मिथाइल मैक्सिमम एंड टर्शियरी ब्यूटाइल मिनिमम, एंड दिस इज नेम्ड एज
बेकर नेथन इफेक्ट, इसको नाम दिया गया बेकर नेथन इफेक्ट का। बेकर नेथन ने स्टडी किया इसको, इसलिए इसका नाम रखा गया बेकर नेथन इफेक्ट। क्या है बेकर नेथन इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर जब रेट ऑफ रिएक्शन फील्ड इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो रेट आई थी उससे बिल्कुल अपोजिट आई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल की सबसे ज़्यादा। और क्यों है मिथाइल की सबसे ज़्यादा? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा, आप समझते हैं ना मिथाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? मिथाइल का स्ट्रक्चर ये होता है CH3। इथाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2। हम इस कार्बन की बात करें तो दो ही हाइड्रोजन हो गए, इसमें भी हटा दूं मैं अगर सी के साथ एच एक एच जोड़ के, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और टर्शियरी ब्यूटाइल किसको कहते हैं? कार्बन के साथ में तीनों मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए, इसको हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। तो आप इसमें देखो तीन हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, इसके कंपैरिजन में इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो इसमें और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसके अंदर ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा और इस वजह से अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। इसको कहते हैं हम बेकर नेथन इफेक्ट। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ये वो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स थे जिनमें कि डीलोकलाइज्ड बंध या विस्थानीकृत बंध पाए जाते हैं। एक वो जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, एक में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन एटम के पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो, और एक वो जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस देखा जा सकता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस कॉन्जुगेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके सिलेबस पे मेंशन्ड है और इस पर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन? क्रॉस कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? कॉन्जुगेशन सबको पता है, पहले कॉन्जुगेशन पता होगा तब क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ में आएगा। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल, एक छोड़कर एक को हम कहते हैं ऑल्टरनेट। नाउ अब हम, ये तो था कॉन्जुगेशन का मतलब। नाउ व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन? क्रॉस कॉन्जुगेशन हम किसे कहते हैं? अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे तीन ग्रुप्स हो, मैंने उन ग्रुप्स को कह दिया ए बी और सी, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे तीन ग्रुप्स हों जो आपस में तो कॉन्जुगेटेड ना हो, मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ए इज कॉन्जुगेटेड बी एंड बी इज कॉन्जुगेटेड टू सी, लेकिन इनमें से दो ग्रुप किसी थर्ड ग्रुप से, मतलब ए जो है वो भी सी से कॉन्जुगेटेड है और बी जो है वो भी सी से कॉन्जुगेटेड है, लेकिन अगर हम ए बी सी तीनों की बात करें तो वो आपस में कॉन्जुगेटेड ना हो, इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कि थ्री ग्रुप्स हों, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, वो आपस में कॉन्जुगेटेड ना हो। डबल सिंगल सिंगल कहाँ है कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए? डबल सिंगल फिर डबल, लेकिन वो दो ग्रुप्स ऐसे हों जो किसी थर्ड ग्रुप से पूरे कॉन्जुगेटेड हों। अगर मैं कहूँ डबल सिंगल डबल तो ये पार्ट जो है वो कॉन्जुगेटेड हो गया, मतलब ए जो है वो इस सी से कॉन्जुगेटेड है। इसी तरह से डबल सिंगल डबल मतलब ये जो है वो इससे कॉन्जुगेटेड है। क्या लिखा हमने? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी और इसको मैंने कह दिया सी। ए बी और सी आपस में तीनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में है। डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। वैसे ही बी बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल। मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कि तीन ग्रुप्स प्रेजेंट हों जो आपस में तो कॉन्जुगेटेड ना हों, लेकिन उनमें से दो ग्रुप जो थर्ड ग्रुप है उसके साथ कॉन्जुगेटेड हों, इस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रॉस कॉन्जुगेशन शो करते हैं।
ओके, सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दे एग्जिबिट क्रॉस कॉन्जुगेशन. इनमें जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो साथ में हम डीलोकलाइजेशन भी देखेंगे. कैसे डीलोकलाइजेशन? अगर हम सपोज कहें कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास में क्या बनेगा? एज अ रिजल्ट CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, CH डबल बॉन्ड CH2. क्या लिखा मैंने? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा वो डबल बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन हो गया. क्योंकि इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह गए, इट कैन बी इंडिकेटेड विद अ पॉजिटिव चार्ज. अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. ये है डीलोकलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस कॉन्जुगेशन. इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाए, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? उस केस में इस CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH. इधर का स्ट्रक्चर तो एज इट इज ही, ये वाला स्ट्रक्चर. अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रहा वो पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट कर गए तो ये रहा वो डबल बॉन्ड. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट कर गए तो ये रहा वो नेगेटिव चार्ज. तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इसी कार्बन पे नेगेटिव भी आ सकता है, इस कार्बन पे नेगेटिव और इसी कार्बन पे पॉजिटिव भी आ सकता है. इसी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन. ये कॉन्जुगेशन हम शो कर रहे हैं सिस्टम ए और सी के बीच में. ये सिस्टम ए था, ये सिस्टम सी था, इन दोनों के बीच में किस तरह से कॉन्जुगेशन से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल. ये सेम चीज कैन बी ड्रॉन दिस साइड ऑल्सो. ये डीलोकलाइजेशन जो है वो इस तरफ भी हो सकता है. सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएं और ये इधर आ जाएं तो ये स्ट्रक्चर तो एज इट इज ही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH तो एज इट इज ही रहेगा. अब कार्बन इसके ऊपर आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो माइनस का चार्ज आ गया, इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. इसका जस्ट उल्टा अगर माइग्रेशन करा दें हम इलेक्ट्रॉन्स का, ये यहाँ चले जाएं और ये यहाँ चले जाएं, तो ये वाला सिस्टम एज इट इज है, CH2 डबल बॉन्ड CHC. यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हट गए इसलिए डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस. इस कार्बन पे एक, इनको हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन अनुनादी संरचनाएं बनती हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देते हैं. रेजोनेंस से, अनुनाद से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर नेगेटिव यहाँ आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसमें यहाँ नेगेटिव आ रहा है. डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या विस्थानीकृत हो रहे हैं. सो दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन. इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है जो कि क्रॉस कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, दिस कैन ऑल्सो एग्जिबिट क्रॉस कॉन्जुगेशन. ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन शो कर सकता है. ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में तो कॉन्जुगेटेड नहीं, ऐसे तीन ग्रुप्स एक मॉलिक्यूल में होना जो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन उनमें से दो ग्रुप्स एक थर्ड वाले के साथ में कॉन्जुगेटेड हों, उसको हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन. और क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी डीलोकलाइजेशन हम देख सकते हैं. ये हमने एग्जाम्पल देखा डीलोकलाइजेशन का. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, आप ध्यान से समझें किसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन, किन मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन पाया जाता है और किसे कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन. हमारे नेक्स्ट टर्न पे हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी.